बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स लेक्चर यू का लेसन नंबर इज 15, कंजंक्शंस। वी हैव डन प्रीवियस टू लेक्चर्स ऑफ दिस लेसन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेक्चर ऑफ दिस लेसन, एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर इज 169। फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सूटेबल कंजंक्शन। इन ब्लैंक्स में बेटा आपने कंजंक्शंस यूज़ करने हैं, जो कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सूटेबल होगा वो कंजंक्शन हम इन ब्लैंक्स में लिखेंगे। सेंटेंस नंबर ए, बी हरिड डैश डार्कनेस वाज अप्रोचिंग। इस ब्लैंक में कंजंक्शन बिकॉज यूज़ होगा, वी हरिड बिकॉज डार्कनेस वाज अप्रोचिंग। आप पेंसिल से इस ब्लैंक में कंजंक्शन बिकॉज लिखेंगे। नंबर टू, डैश यू डैश ही विल बी द चेयरमैन। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो ब्लैंक्स हैं, इसका मतलब कंजंक्शन जो है वो पेयर में यूज़ होगा, और पेयर में यूज़ होने वाला कंजंक्शन को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। सो सेंटेंस बी इज़ नीदर यू नॉर ही। नीदर और नॉर, ये दो कंजंक्शन आप पेंसिल से राइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ नॉट एंग्री डैश दे हैव चीटेड हिम। ऑल दो दे हैव चीटेड हिम, इसमें कंजंक्शन ऑल दो यूज़ होगा जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नंबर डी, शी नोज डैश फ्रेंच डैश जर्मन। अब देखें इसमें भी दो ब्लैंक्स हैं, इसका मतलब इसमें भी कंजंक्शन पेयर की फॉर्म में यूज़ होगा। सो नीदर फ्रेंच नॉर जर्मन, नीदर और नॉर, ये दो कंजंक्शन यूज़ होंगे। नेक्स्ट इज सेंटेंस ई, आई कैन नॉट डिसाइड वेदर टू टेक अप अकाउंटेंसी डैश लॉ। वेदर के साथ मोस्टली और यूज़ होता है, तो हम दूसरी ब्लैंक जो हमारे पास दी हुई है एक्सरसाइज में, यहाँ कंजंक्शन और यूज़ करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर एफ, हैंड इन योर वर्क बिफोर द बेल रिंग्स। यहाँ कंजंक्शन बिफोर यूज़ होगा, आप पेंसिल से बिफोर राइट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जी, थिंक केयरफुली डैश यू स्पीक। थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पीक, कंजंक्शन बिफोर यूज़ होगा। सेंटेंस नंबर एच, ही हैज़ बीन वॉर्न्ड सेवरल टाइम्स इवन ही स्टिल मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स, तो इसमें कंजंक्शन इवन यूज़ होगा। नेक्स्ट इज यू मे पे नाउ इफ़ यू विश, इसमें कंजंक्शन इफ़ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज जे डैश यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आप कोशिश नहीं करते आप कामयाब नहीं होंगे, तो इस हिसाब से अनलेस यूज़ होगा कंजंक्शन, अनलेस UNLESS, तो आप पेंसिल से अनलेस कंजंक्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट इज सेंटेंस के, शी हैज़ अ हाई फीवर डैश शी डज़ नॉट वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर। उसे सख्त बुखार है, तेज़ बुखार है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहती। सो बट, कंजंक्शन बट इस्तेमाल होगा, आप बट जो है वो राइट करेंगे एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर इज़ 170 एंड द सेंटेंस नंबर इज़ एल डैश यू हैव नॉट आस्क फॉर परमिशन डू इट नाउ एज़ यू हैव, चूँकि जैसा कि आपने इजाज़त नहीं ली है तो इसे अभी करो। सो एज़ कंजंक्शन विल बी यूज्ड। नेक्स्ट इज़ एम रहीम डैश अनवर। जब दो तीन चीज़ों के नाम आ जाते हैं तो बीच में हम एंड इस्तेमाल करते हैं। रहीम एंड अनवर आर गुड फ्रेंड्स डैश दे ऑफन क्वारल, बट दे ऑफन क्वारल। रहीम और अनवर अच्छे दोस्त हैं लेकिन वो अक्सर झगड़ते हैं। बट कंजंक्शन विल बी यूज इन द सेकेंड ब्लैंक एंड इन द फर्स्ट ब्लैंक देर विल बी एंड। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर एन, लीव नाउ और आई विल कॉल द पुलिस, कंजंक्शन और विल बी यूज्ड। नेक्स्ट इज ओ ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल ना जा सका। ही वॉज इल बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। सो द बिकॉज कंजंक्शन विल बी यूज इन द ब्लैंक, सो यू विल राइट बिकॉज। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर पी, कस्टम मेड क्लॉथ्स फिट वेल डैश आर एक्सपेंसिव बट आर एक्सपेंसिव, कंजंक्शन बट विल बी यूज्ड। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर क्यू, डैश ही हैड वर्क फॉर 2 आवर्स एज़ ही हैड वर्क फॉर 2 आवर्स, जैसा कि उस 2 घंटे से काम कर चुका है, 2 घंटे तक काम कर चुका है। द फॉर्म सेंट हिम एब्रॉड फॉर फर्दर ट्रेनिंग, तो कंपनी वालों ने उसे मज़ीद तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेज दिया।
एज कंजंक्शन विल बी यूज इन द ब्लैंक. नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर आर, द ओल्ड मैन इज पुअर बट कॉन्टेंटेड. बूढ़ा आदमी गरीब है लेकिन मुतमईन है. बट कंजंक्शन विल बी यूज. नेक्स्ट इज सेंटेंस एस डैश, आई सी समथिंग लाइक इट. इफ़ आई सी समथिंग लाइक इट, अगर मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी, आई शेल बाई इट फॉर मदर, तो मैं इसे वालदा के लिए खरीदूँगा. सो द कंजंक्शन इफ़ विल बी यूज. लास्ट सेंटेंस इज आई वर्कड हार्ड एज आई वॉन्टेड टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन. चूँकि मैं इम्तिहान में अच्छा करना चाहता था इसलिए मैंने सख्त मेहनत की. एज कंजंक्शन विल बी यूज इन द ब्लैंक. सो एक्सरसाइज नंबर 3 इज योर असाइनमेंट. यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजंक्शंस एज आई हैव टोल्ड यू इन दिस लेक्चर. ओके, थैंक यू सो मच.